हेलो एंड वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। जीके का हमारा 9th पार्ट है जिसमें हम 50 प्लस क्वेश्चन आज करने वाले हैं मुगल काल से। मेडिवल हिस्ट्री का यह लार्ज पार्ट होता है मुगल काल, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह लेक्चर होने वाला है आज का। लास्ट तक वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है? तो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, और लास्ट तक वीडियो आप देखेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मुगल काल से जितने भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो मेरा वादा है, आपसे गारंटी पूरी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है? और मैं मेडिवल हिस्ट्री कराऊँगा भी, ठीक है? रिविजन पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं एंशियंट मॉडर्न मैंने करा भी दिया है, और मेडिवल हिस्ट्री जब मध्यकालीन इतिहास मैं कराऊंगा, उसमें जब मुगल काल कराऊंगा तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिलहाल यह तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देखिए, ठीक है? एंड तक वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है, और इब्राहिम लोदी को हराता है बाबर, तो मुगल वंश की स्थापना करता है, और यह लगभग 150 वर्षों तक मुगल काल चलता है, ठीक है? 1857 तक लगभग चलाता है, जब तक ब्रिटिश काल, ठीक है, आरंभ नहीं हो जाता। क्राउन का शासन जब तक नहीं चलता, वायसराय की नियुक्ति जब तक नहीं होती, तब तक हम लोग मानेंगे कि मुगल काल चल रहा है, ठीक है? 1857 का जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसके बाद वायसराय की नियुक्ति होती है, तब से मुगल काल का अंत हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है? और अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। तो चलिए मुगल काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया? वह था हुमायूं। हुमायूं ने दो बार शासन किया, एक बार इसको शेरशाह सूरी के साथ युद्ध में हारना पड़ा था, इसलिए इसने भारत को छोड़ दिया था और फिर से वापस लौट करके आया था। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने दो बार भारत में शासन किया मुगल बादशाह, तो वह था हुमायूं, ठीक है? किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलग्राम के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला का शासन था? रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? वह है मुबाइन में। मुबाइन में मुस्लिम नियमों का शासन है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने ऐसा कहा है, और ऐसा कहना लाजमी भी है क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण किया, ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, ठीक है? स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाए तो यह स्वर्ण युग ही था। जापती प्रणाली का जन्मजाता कौन था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जति का क्या कारण था? सैन्य कुशलता। जवाबीद का संबंध किससे है? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? कंधार के लिए था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का वास्तविक नाम पूछा है, अर्जुमंद बानो बेगम इनका पूरा नाम था, वास्तविक नाम था, इनका असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। पंचमहल जो है वह बौद्ध विहार की तरह है, यह अकबर के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? कछवाहों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया? बीजापुर और गोलकुंडा को। औरंगजेब ने दक्षिण में गोलकुंडा और बीजापुर को विभाजित किया था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अकबर से भी ज़्यादा साम्राज्य विस्तार औरंगजेब ने किया था, दक्षिण के राज्यों को भी इसने जीता हुआ था, ठीक है? तो मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के समय जितना साम्राज्य विस्तार हुआ था उतना अकबर के टाइम में भी नहीं हुआ था, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो वह था जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों को नवरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? तो यह मनाना इन्होंने सीखा पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बीबी का मकबरा, ठीक है? बीबी के मकबरे को कहा जाता है द्वितीय ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह की सेना ने सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? वह था कट्टर मुस्लिम औरंगजेब। औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति होते थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र के रचयिता पूछा जाता है, विष्णु शर्मा है इनके रचयिता, विष्णु शर्मा इसके रचयिता हैं और इसका अनुवाद किया गया है अनवर ए सुहेली नाम से। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके काल में हुआ? अकबर के टाइम पीरियड में। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? फैजी ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ था 1576 में हुआ था, अकबर का सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच, उसमें कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसमें अकबर की जीत नहीं हुई थी, लेकिन हमें सच्चे इतिहास को पढ़ना है और यही माना जाता है कि उसमें महाराणा प्रताप को भागना पड़ा था और इन्होंने अपना महल छोड़ दिया था और जंगलों में इनको रहना पड़ा था, तो ऐसा माना जा सकता है कि उसमें अकबर की ही जीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1628 में। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, जिसमें औरंगजेब की जीत होती है और वह राजगद्दी को प्राप्त करता है। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? सूरत को। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। और एतमाद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो वह था मेवाड़। मेवाड़ के ही राजा थे महाराजा जो हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, ठीक है, महाराणा प्रताप। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? वह था शेरशाह। अकबर ने कथा भरणवाड़ी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तानसेन को। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो वह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु है, यह किसने कहा था? तो वह जहांगीर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। जहरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? 1483 में फरगना में हुआ था, जो कि अफगानिस्तान में है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह था बाबर। बाबर बहुत ही उदार था और इसे कलंदर की उपाधि मिली हुई थी। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने। तो यह सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा बादशाह सप्ताह के सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनता था, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो वह था हुमायूं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? हेमू विक्रमादित्य। हेमू और अकबर के बीच में यह युद्ध हुआ था, हेमू की इसमें पराजय हुई थी और अकबर तब मुगल बादशाह बनता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? 1575 ईस्वी में। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की? सिद्धू चंद्र ने। दीन ए इलाही सनवत की स्थापना किसने की? इलाही सनवत की स्थापना अकबर ने की थी, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म भी चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? जहांगीर ने। और अगला क्वेश्चन है, किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? जहांगीर ने। ठीक है, किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो वह जहांगीर था।
मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? 22 वर्ष लगे थे, ठीक है, ताजमहल के निर्माण में। गंगाल हरि नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? शाहजहां के काल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद कर दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया था और दारासिकों के साथ युद्ध भी लड़ा था, धर्मद नामक युद्ध, जिसमें दारासिकों को इसने हत्या कर दी थी। और उसकी कब्र कहां पर थी यह किसी को नहीं पता, अभी तक नहीं पता है, ठीक है। और अभी आपने जल्द ही सुना होगा पुरातत्व विभाग की स्थापना की है संस्कृति मंत्रालय ने, जो कि पता लगाएगा दिल्ली में कि दारासिकों की कब्र कहां है। करंट अफेयर्स की यह न्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? डक्कन का। गुड़समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? शाहजहां ने। शेर शाह का मकबरा कहां पर है? सासाराम, बिहार में, क्योंकि यह सासाराम का ही गवर्नर था वहां का शेर शाह, इसीलिए उसका मकबरा भी सासाराम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगीना मस्जिद कहां है? आगरा में। किस शासक के शासन में मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत थी? औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब के टाइम में मुगल साम्राज्य बहुत ही विस्तृत हो चुका था, उत्तर भारत में तो था ही, साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी था, मराठों को भी इसने अपने अधिकार में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अधिक से अधिक इसके लिए मराठा ही खतरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहांनाबाद नगर की स्थापना की? वह था शाहजहां। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया और शाहजहांनाबाद नगर की स्थापना की। तो यह 63 क्वेश्चन 63 क्वेश्चन थे वन लाइनर के रूप में, जो कि मुगल काल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तार से अच्छे से उसको रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है। रिवीजन क्लास जो चलता है मेरा सुपर फास्ट रिवीजन क्लास, उसको आप जरूर देखिएगा। मध्यकालीन इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पहले ही खत्म हो चुका है, लगभग एंशियंट हिस्ट्री लगभग खत्म हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा अभी बचा हुआ है कुछ, ठीक है। तो आशा आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आओ तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।